नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पेमेंट करने के एक और डिजिटल तरीके ने देश में दस्तक दी है, नाम है ई रूपी। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने वर्चुअली कर दी है। सवाल यह है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई पहले ही मौजूद है तो इस ई रूपे की क्या जरूरत पड़ गई, इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। आइए इसके साथ साथ ई रूपे से जुड़े दूसरे सवालों का भी जवाब जान लेते हैं। ये डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीकों से ये इस मायने में अलग है कि ये वाउचर की शक्ल में मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। खास बात ये है कि इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे उदाहरण से समझने के लिए मान लेते हैं कि सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसे देना चाहती है। इसका एक तरीका तो ये है कि वो सबके अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर दें। अब दिक्कत ये होगी कि बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। फिर ये भी तय नहीं किया जा सकेगा कि जो पैसा भेजा गया उससे वैक्सीन ही ली गई या कुछ और। ऐसे में ये ई रुपए काम आएगा। इसमें एक SMS या QR कोड की शक्ल में ई रुपए भेजे जा सकते हैं। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक होंगे। मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वो शख्स तय काम के लिए ही कर सकेगा। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया ई रुपए वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है वही उसका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि वाउचर का इस्तेमाल हो गया है। इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने UPI प्लेटफॉर्म के जरिए चलाएगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को ई रुपए वाउचर जारी करने हैं तो उन्हें इन पार्टनर बैंकों से संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बैंक ई रुपए इशू करेंगे जरूरी नहीं है कि वो इसे स्वीकार भी करें। मतलब अगर किसी को ABC बैंक से जारी किया ई रुपए वाउचर मिला तो जरूरी नहीं कि वो बैंक उसे कैश करने की सुविधा भी दे। जिस शख्स के पास ई रुपए वाउचर भेजने हैं उसकी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ बैंक को देनी होगी। बैंक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेगा और ग्राहक को पहचान कर उसके मोबाइल नंबर पर ई रुपए का वाउचर भेज देगा। ई रुपए पर बैंक दो तरह से काम करेंगे, एक वो बैंक जो ई रुपए वाउचर जारी करेंगे, दूसरे वो जो इन्हें स्वीकार करेंगे। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो दोनों काम करते हैं। फिलहाल 11 बैंक ऐसे हैं जो ई रुपए को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक इस वाउचर को इश्यू भी करते हैं और स्वीकार भी। कैनरा बैंक, इंडस इंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ई रुपए वाउचर इशू करते हैं, स्वीकार नहीं करते। आम लोगों को ई रुपए भेजने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जब किसी को पैसे भेजते हैं तो जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। असल दिक्कत आती है एजेंसियों को वेलफेयर स्कीम के पैसे भेजने में। इसमें ये सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि जिस बेनिफिशियरी को जिस काम के लिए पैसा भेजा गया वो उस तक पहुंचा या नहीं, और पहुंचा भी तो उसने उसी काम के लिए इसका इस्तेमाल किया भी है या नहीं किया है। ई रुपए के सिस्टम से सीधे एक मैसेज के जरिए पैसे पहुंचने से ऐसा लग सकता है कि ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि वाउचर भेजने वाला इसके लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक जारी कर सकता है, इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। फिजिकल करेंसी यानी रुपए के मुकाबले इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। मतलब 10 रुपए के नोट और 10 रुपए के डिजिटल करेंसी की वैल्यू बराबर होगी। बस फर्क इतना होगा कि डिजिटल करेंसी एक कोट की शक्ल में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा। इसे इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए या गोल्ड का सहारा लेगा या नहीं लेगा। कई देशों में ई रुपए जैसे वाउचर का इस्तेमाल पहले से हो रहा है। अमेरिका में सरकार जरूरतमंद बच्चों के पेरेंट्स की पढ़ाई के लिए डिजिटल वाउचर इशू करती है। मतलब अगर फीस जमा करनी है तो इसका वाउचर सरकार भेज देती है। कॉपी किताब और स्टेशनरी वगैरह खरीदने के लिए अलग से वाउचर भेजा जाता है। जैसी जरूरत उसके हिसाब से वाउचर उपलब्ध कराया जाता है।
अमेरिका के अलावा कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग जैसे देशों में भी इस तरह के स्कूल वाउचर जारी किए जाते हैं। सरकार के लिए ई रूपी का ये सिस्टम बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसे दवाई माँ और बच्चे की वेलफेयर स्कीम, टीबी के इलाज के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना जैसे स्कीमों में पैसा भेजना काफी आसान हो जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए कर सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।